हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तनवीर फ्रॉम वी ऑटो एसेसरीज वाशी नवी मुंबई। KA17 कर्नाटका से आई है किया सेल्टोस 2022 गेस द मॉडल बनने के लिए। किया सेल्टोस 2022 नहीं दोस्तों, ये किया सेल्टोस 6 महीने पुरानी कार है। ये HTE वेरिएंट है। कस्टमर ने फिर से बता दिया, इट्स टाइम टू गिव बैक। कस्टमर ने मुझे गिव बैक किया है, एक मैटिंग तक उन्होंने नहीं लगाई है। पूरी स्टॉक कंडीशन में कार जो है 6 महीने से घुमा रहे थे और आज हमें भी मौका मिला, कस्टमर को भी मौका मिला और कार को भी मौका मिला पूरी गेस द मॉडल बनाने का। ये पूरी कार को हमने गेस द मॉडल बनाई है। कोई नहीं बोल सकता है कि ये सेल्टोस HTE वेरिएंट है। द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार GT लाइन की क्राउन ज्वेल हेडलाइट्स हमने इंस्टॉल की है। इंडिकेटर परफेक्टली पूरे वर्क होते हैं और एक भी एरर आप लोगों को नहीं आएगा। आइस क्यूब फोक लेंस हमने इंस्टॉल की है। टाइगर नोज ग्रिल विद द DRL के साथ और सोने पे सुहागा GT लाइन का टैग भी हमने लगा दिया है। लेकिन ये सब कब मजा आता मालूम है दोस्तों? जब ये GT लाइन का पूरा बम्पर लगता है। हेडलाइट तो हम लगा देते हैं, ग्रिल भी लगा लेते हैं, आइस क्यूब भी लगा लेते हैं, लेकिन जो स्टैंड आउट आता है ना, ये GT लाइन के सिल्वर विद द रेड एसेंट के साथ जो बम्पर आते हैं उसके साथ आता है। आप चेकआउट कर सकते हैं लो बीम हाई बीम। जो टाइगर नोज ग्रिल का जो स्टैंड आउट आता है ना विद द DRL के साथ दोस्तों, ये कुछ अलग ही चीज़ है। सेल्टोस थोड़ी कॉस्टली मॉडिफिकेशन है लेकिन स्टैंड आउट कुछ अलग आता है। 27,500 रुपये की एक हेडलाइट पड़ती है दोस्तों। टाइगर नोज ग्रिल 6,700 रुपीज की एक फोक लैंप पड़ती है। उसके 1,800 रुपये के कवर पड़ते हैं लेकिन फ्रंट देख लिया, साइड से भी कोई नहीं बोल सकता है कि ये सेल्टोस HTE वेरिएंट है दोस्तों। कैसे? 16 इंच के रेगुलर रिम लग के आए थे, उसे रिप्लेस करके 17 इंचेस के द क्रिस्टल कट एलॉय व्हील हमने ये कार में इंस्टॉल किए हैं। इंडिकेटर फेंडर में इंडिकेटर लग के आता था, रिमूव कर दिया है। वेंट्स दोस्तों, वेंट्स तो इंडिकेटर जो है निकाल के आप लोग बोल सकते हैं छुपाने में काम आते, लेकिन एक वेंट्स का जो स्टैंड आउट भी आता है ना कुछ अलग आता है। ORVM मिरर्स हमने इंस्टॉल किया है विद द 360 डिग्री कैमरा। फ्रंट कैमरे की आप प्लेसमेंट चेकआउट कर सकते हैं, दो कैमरे मिरर में लगते हैं और एक बैक साइड में लगता है। लेकिन जो साइड प्रोफाइल है ना, इतना शानदार लग रहा है ना दोस्तों, मज़ा आ गया है। रूफ रेल इंस्टॉल की है, डोर वाइजर इंस्टॉल किया है, लोअर विंडो गार्निश हमने ये कार में इंस्टॉल की है और GT लाइन के चारों क्लैडिंग्स भी हमने इंस्टॉल किए हैं। फ्रंट बैक साइड एवरीथिंग वी हैव इंस्टॉल इन दिस कार। क्योंकि मैं बोल सकता हूँ पूरी गेस द मॉडल बनाना ये इम्पॉसिबल टास्क है। हेडलाइट टेल लाइट्स वगैरह थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़ों में लगा सकते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल विगाटो में होता है, जो मैं करके बताता हूँ। पूरी कार में विकुल की फिल्म हमने इंस्टॉल की है, द नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस ऑफ द फिल्म है। इंटीरियर प्रोफाइल एक्टिव एम्बियन लाइटिंग जो सेल्टोस में लग रही है ना, मज़ा आ गया। एक एक परफेक्शन देखिए, फिटमेंट देखिए,
एक्टिव एम्बियन लाइटिंग का। ऐप के थ्रू तो चेंज होती है, कलर से अलग चेंज होते थे, लेकिन जब मैं बोलता हूँ किधर से भी विजिबल नहीं है तो हमें फील ही नहीं आता है। एक जो लाइव एटमॉस्फियर आता है ना कार का, ये एक्टिव एम्बियन लाइटिंग से आता है। चारों डोर्स में लेदर पैडिंग वर्क किए हैं, ORVM मिरर सॉफ्ट टच बटन के साथ हमने इंस्टॉल किए हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं, परफेक्टली पूरे वर्क होते हैं। मिरर के सैश भी हम चेंज करते हैं, वो रेगुलर नहीं कि होल वाले में लगाते हैं, लेकिन ORVM विद द सॉफ्ट टच वो भी एक अलग मज़ा है। लेकिन एक्टिव एम्बियन लाइटिंग की जिस तरीके से हम फिटमेंट करते हैं ना, देखिए दोस्तों लाइट्स किधर भी मिलेगी आपको, लेकिन जिसके लिए हम जाने जाते हैं परफेक्शन वर्क के लिए, मैं वो चीज़ की आपसे बात करूँगा। सीट कवर द मैक ट्रिम के अल्ट्रा सॉफ्ट सीट कवर ब्लैक विद द रेड लाइनिंग के साथ हमने इंस्टॉल किए हैं। टॉप गियर कंपनी की सेम मैट्स इंस्टॉल की है, लैमिनेशन हमने किया ही नहीं है। जब मैंने बोला मैटिंग तक नहीं डाली है तो मैटिंग तक वो कस्टमर ने नहीं डाली हुई है। मैं सो मच थैंक यू बोलना चाहूँगा कस्टमर को जो इतना प्यार हमें दिया है। स्टेयरिंग लेदर रैप आप चेकआउट कर सकते हो, डैशबोर्ड की लेदर रैपिंग आप चेकआउट कर सकते हो, और लेफ्ट डोर में एक्टिव एम्बियन लाइटिंग विद द डोर लेदर रैपिंग जो हमने की हुई है। दोस्तों ये कार में प्लेयर अगेन 4GB रैम 64GB मेमोरी के साथ हमने ये कार में इंस्टॉल किया है विद द 360 बर्ड व्यू के साथ। आप फ्रंट की कैमरे की क्लियरिटी आप चेकआउट कर सकते हैं, रियर की है लेफ्ट एंड राइट। दोस्तों कैलिब्रेटेड है, सब कुछ है। अभी ये सब मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि ये मैट्स लगा दूं वो मैट्स लगा दूं, वो सब नहीं है, परफेक्टली है और वन ऑफ द बेस्ट है। चारों डोर्स में हमने डैम्पिंग वर्क पूरा किया हुआ है, लेकिन एक रियर डोर की भी लेदर पैडिंग वर्क, सीट कवर, मैट्स की फिटमेंट एंड द एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर्स हैं। स्टील की जो कफ प्लेट्स है वो भी हमने ये कार में इंस्टॉल की हुई है। रियर डोर की भी आप एक एक लेदर पैडिंग की, एक्टिव एम्बियन लाइटिंग की और सीट कवर एंड मैट्स की आप फिटमेंट चेकआउट कर सकते हैं। द मैक ट्रिम्स के अल्ट्रा सॉफ्ट सीट कवर्स हैं। प्रोजेक्ट गेस द मॉडल था और गेस द मॉडल बना के बताया है, एक भी एरर नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों वैल्यू फॉर मनी है HTE वेरियंट। कस्टमर ने मुझे खुद को याद नहीं है 8 महीने पहले फ़ोन किया था, जब सेल्टोस के भी बहुत सारे यही कलर के वीडियोस थे, तनवीर भाई कौन सा कलर लूँ मैं? मैंने भी बोल दिया आप स्टील सिल्वर कलर लीजिए, वाइट बहुत कॉमन है, और कस्टमर ने वो ही कलर लिया और आज आए और पूरी गेस द मॉडल बना के जा रहे हैं। तो दिल से थैंक यू कस्टमर को, दिल से थैंक यू कर्नाटका को, इतनी दूर ड्राइव करके आते हैं की हैंडओवर की और टैगलाइन गेस द मॉडल बना दो, क्योंकि गेस द मॉडल में 100% जेन्युइन प्रोडक्ट यूज होते हैं उसके अंदर जो हम इंस्टॉल करके बताते हैं। मिस्टर नागभूषण फ्रॉम कर्नाटक बैंगलोर फेवरेट मैं भी आएगा यस सर। इट्स टाइम टू गिव बैक। जब मैंने बोला ना, मैंने वीडियो तो बना दिया लेकिन उसमें मैंने बोला था कि 6 महीने पुरानी गाड़ी है, 6 नहीं है 8 महीने पुरानी गाड़ी है। 8 महीने तक रॉ स्टॉक कंडीशन में मैटिंग तक नहीं उठा ली है, तो इट्स टाइम बैक। तो सर ने ये मौका दिया, हमने भी अपग्रेड किया है और पूरा गेजा मॉडल बना के जा रहे हैं बैंगलोर में। सर नागभूषण हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्सलेंट सर, ओनली वन वर्ड आई कैन से योर वर्क इट इज एक्सलेंट ओनली बिकॉज ऑफ यू ओनली आई टेकन बेस मॉडल देन आई केम हियर then we meet to test to GT line. It is excellent work sir. Thank you so much. Thank you so much sir. I waited for this work till last 10 month. Then I came, I did. Thank you sir. Thank you so much. और एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, जो टैग है गेस द मॉडल का, सर सुबह आए चाबी दी, तमीर भाई गेस द मॉडल बना दो, क्योंकि गेस द मॉडल में हर चीज जेन्युइन ही लगनी है, उसके आगे कोई दो राय है ही नहीं। सर क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, बहुत अच्छा बढ़िया काम करते हैं और आपका जो भी काम वाला है सभी बहुत ही प्रोफेशनल है। ऐसा नहीं कि एक ही काम वाला सभी काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे कि सेपरेट वायरिंग मैकेनिक और जो पेंटिंग वाला है वो सभी अलग अलग बहुत प्रोफेशनल से। मैं तो बहुत खुश हूँ आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू
लेकिन और एक नेक्स्ट वीडियो वीडियो पे वीडियो आएंगे सेल्टोस और किया कैरेंस के गेस्ट द मॉडल के, अब भी बोलेंगे मजा आ गया। और ये वीडियो किस तरीके से लगा है दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।